हेलो फ्रेंड्स, आईडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक के व्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है। आज मैं इसी का ऑर्थोग्राफी बनाऊंगा इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाकर दिखा चुका हूँ किस तरीके से अगर कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू अगर दिया होता है तो उसको हम ड्रॉइंग शीट पर किस तरीके से बनाते हैं। मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, आई मार्क में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज मैं इसी का ऑर्थोग्राफी बताऊंगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। जिसका आइसोमेट्रिक है उसका ऑर्थोग्राफी बनाना बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट व्यू है, यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट दिया हुआ है, यहाँ पर साइड दिया हुआ है। तो फ्रंट हमारा किस साइड है, यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फ्रंट व्यू है और साइड व्यू हमारा राइट हैंड साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारा साइड व्यू है। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जिस साइड में हमारा फ्रंट दिया है, चाहे वो साइड दिया है, वो हमारा उसी साइड में रहता है। फ्रंट व्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा, राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में बनेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, जैसे आपका दिया हुआ है डायग्राम टू कॉपी कर देने हैं। ठीक है, तो इसको टू कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक लाइन खींचनी होती है, जिससे कि हमें ऑर्थोग्राफिक बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जो भी आइसोमेट्रिक दिया होता है उसका डायमेंशन भी दिया होता है और उसका टॉप फ्रंट और साइड भी दिया होता है। अब हम सोचते हैं कि पहले हम फ्रंट से बनाए कि साइड से बनाए कि टॉप से बनाए, तो आज ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आप फ्रंट से बना सकते हैं, साइड से बना सकते हैं, टॉप में टॉप से ना ही बनाए तो अच्छा है, क्योंकि टॉप से क्या होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें ये चीज दिख रहा है, ये सरफेस एरिया दिख रहा है, तो कभी क्या होता है कंफ्यूजन में गलतियां हो जाती हैं अगर हम टॉप व्यू से बनाते हैं। तो अगर आप साइड व्यू और फ्रंट व्यू से बनाते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो साइड व्यू में क्या है, अगर हम इधर से देखेंगे तो हमारा सेम कॉपी कर देना है, डायमेंशन के हिसाब से हम ड्रॉइंग को बनाते हैं। अगर फ्रंट व्यू में है तो फ्रंट व्यू बनाते हैं। ठीक है, ज्यादा हम लेक्चर नहीं देते हैं, सीधे चलते हैं डायग्राम पर, डायग्राम हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको स्केल लेना है, स्केल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि डायमेंशन कोई भी आइसोमेट्रिक हो, सारे में सारे आइसोमेट्रिक डायग्राम में डायमेंशन दिए होते हैं, डायमेंशन के हिसाब से ही हम ऑर्थोग्राफिक के व्यू को क्रिएट करते हैं। हम अपने एक्स्ट्रा से नहीं क्रिएट करते हैं, जो दिया होता है हमें कॉपी करने होते हैं। कॉपी मतलब अगर हमें साइड व्यू से हमें ये साइड हमें कॉपी कर देने हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमें ये दिख रहा है, ये हमें जिस तरीके से दिखता है हमें ठीक कॉपी कर देने होते हैं। ठीक है, ये चीज हमें कॉपी करने होते हैं। ठीक है, इसी तरह जब फ्रंट व्यू हम देखते हैं तो फ्रंट व्यू में हमें क्या चीज दिखाई दे रहा है, हमें ये एरिया पूरा दिखाई दे रहा है और प्लस ये एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब भी हम इस साइड से देखेंगे, जब भी हम इधर से देखेंगे तो हमें दो सरफेस एरिया दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं स्लॉट है और स्लॉट यहाँ पर गहराई में 10 mm की गहराई में कटा हुआ है स्लॉट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हम फ्रंट व्यू से बनाएंगे तो इसको हिडन लाइन से हम प्रदर्शित कर लेंगे। तो वो कैसे प्रदर्शित करना है मैं अभी बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी हाइट ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20, ठीक है, यहाँ 15 दिया है, तो हम इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारी खुद हाइट निकल कर सामने आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 20 + 2 = 35, यानी 20 + 15 = 35 हमारा कुल हाइट होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हाइट को ले लेंगे, 10 mm यहां छोड़ देंगे, 10 mm यहां छोड़ देंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसकी हाइट हम ले लेंगे कुछ इस तरीके से, इसकी हाइट हमारी 35 है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, यानी हाइट हमारा हो गया 35 और लंबाई कितना है 75, यानी 75 हमारा लेंथ हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लेंथ को ले लेंगे। ठीक है,
इसके बाद देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स बना हुआ है कितने पर 20 पर। तो हम जो 35 लिए थे 35 से हम क्या करेंगे 20 mm पर हम एक बिंदु लगा लेते हैं, ठीक है। बिंदु लगाने के बाद यहां से भी एक 75 mm, 75 mm लेने के बाद एक बॉक्स बना लीजिए। आपको देखा होगा कि इस तरीके से बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहां पर ये गैप दिया हुआ है, यानी किस साइड में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो यहां से हमारा क्या होगा, राइट हैंड साइड में होगा, यानी राइट हैंड साइड में ये जो गैप है हमारा, यहाँ पर कोई भी एरिया खाली है, सारा एरिया खाली है, हमें यहाँ पे कुछ भी बनाना ही है, एक सरफेस एरिया हमारा बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई ले लेंगे 60 mm। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करेंगे 15 mm लेंगे, 15 mm क्या करेंगे यहां से 60 mm, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करेंगे 60 mm ले लेंगे और हम इसको इरेज कर देते हैं। यहां से इरेज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देते हैं। यहां देख सकते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, हिडन लाइन लेना है। ये जो स्लॉट कटा हुआ है कितना एमएम है, 10 mm है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 10 mm अंदर की तरफ गया है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ गया है, यानी अंदर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे 10 mm। तो हम एक टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद हिडन लाइन को हम दर्शा देते हैं। हिडन लाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दर्शाना होता है, ये हमारा हिडन लाइन है, ठीक है। अब हम चलते हैं साइड व्यू। साइड व्यू पर हमें जो दिखा रहा आप देख रहे हैं, सामने से ही देख रहे हैं कि हमें ये एरिया और ये स्लॉट दिखाई दे रहा है और ऊपर से ये सरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये स्लॉट अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें पूरा स्लॉट ही नजर आएगा, पता ही चलेगा कि गहराई है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट लेंगे, साइड व्यू का हाइट कितना है आप देख सकते हैं कि 35 mm हाइट है, और इसका लेंथ कितना है, साइड का लेंथ 15 + 15 + 15 इक्वल टू 45, यानी इसकी जो लेंथ है हमारी कुल 45 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइट ले लेंगे, और लेंथ हमारा क्या ले लेंगे, यहां से हम हाइट ले लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ ले लेंगे। लेंथ हम स्केल से 45 हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर लेने के बाद ये हमारा जो लेंथ है, हाइट हमारा हाइट हमारा कितना है, 35 है, और लेंथ हमारा 45 है, ठीक है। ये हमारा साइड व्यू का है और ये हमारा फ्रंट का है। कंफ्यूज मत होइएगा, साइड का अलग, हाइट सेम रहेगा, हाइट हमारा सेम रहेगा, लेंथ में चेंजेस रहेंगे, ठीक है। तो लेंथ हमारा 45 है, हाइट लेंगे। अब हम देखेंगे यहां से देखेंगे ये जो गैप है आपके किस साइड में है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में ये एरिया बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इधर से लेफ्ट की तरफ हम खाली कर देंगे, तो इसका एरिया कितना है, 20 mm। तो यहां देख सकते हैं यहां भी 20 mm लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 20 mm हम ये जो लाइन है इसी लाइन को हम यहां पर मैच करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ तरीके से दिखा दे रहा, अब क्या करेंगे ये एरिया हम क्या करेंगे, ए लाइन डिलीट करेंगे, इस लाइन को हम नहीं डिलीट करेंगे क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये एरिया खुला हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से 15 mm, यहां देख सकते हैं कि 15 mm का वो जो एरिया है हम ले लेते हैं 15 mm, और यहां से ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर हम मैच कर देते हैं,
यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमें ये स्लॉट बनाने हैं, यहाँ देख सकते हैं 15-15 का ये बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 15-15 का डिवाइड कर देंगे तीन भागों में, ठीक है। जब हम 15-15 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से स्लॉट आएगा, यहां देख सकते हैं कि ये जो हमारा एरिया है, ये जो हमारा स्लॉट है, ये हिडन लाइन से हम नहीं दर्शाते हैं, ये जो स्लॉट हमें सामने से वो दिखेगा, ठीक है। अगर हम कोई नौला को देखते हैं ऐसे झुक के, तो हमारा पूरा नौला ही नाला ही दिखाई देता है, सेम इसी तरह है। अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें पूरा ही हमें ये एरिया दिखाई देगा, तो ये जो सर्फेस एरिया है हमें पूरा दिखाई देगा, इस पर हिडन लाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, साइड व्यू, साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम चलते हैं टॉप व्यू बनाते हैं, टॉप व्यू में हमें ये सरफेस दिखाई देगा और ये सरफेस दिखाई देगा, ये स्लॉट हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो हम स्लॉट, ये जो टॉप व्यू है, हम फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनाते हैं, हमारा फ्रंट व्यू है, हम इसी के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो इसका लेंथ, टॉप व्यू का हम लेंथ कितना लेंगे, इसका लेंथ लेंगे हम 75 और विड्थ लेंगे, इसका विड्थ होता है 45, यानी लेंथ हमारा 75 है और विड्थ हमारा 45 है। तो ये हम दो लेंथ हम टॉप व्यू बनाने के लिए हम लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम यही लाइन रहेगा, 10 mm छोड़ देंगे, 10 mm छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 45 हम ले लेते हैं और यहां से 75 mm, एक बॉक्स आप बना लीजिए, आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद अब हम देख सकते हैं कि यहां पर भी ये सरफेस एरिया भी हमारा है, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं 60, यानी ये जो एरिया है 7, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये 15 है, यानी 45 में 15 माइनस कर देंगे तो ये एरिया हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 15 mm नापेंगे, नापने के बाद हम ये कुछ इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। 15 mm यहां से भी नाप सकते हैं, 15 mm यहां से नाप सकते हैं, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 हमारा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा टॉप व्यू बना हुआ है। अब हमें क्या बनाना है, ये स्लॉट बनाना है। तो ये स्लॉट आप देख सकते हैं किस साइड में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में ये स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में कहां बनेगा, हमारा यहां पर बनेगा। अब कितने भागों में, 15-15, यानी ये जो एरिया है 15 का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 10 mm का ले लेंगे, और यहां से 10 mm का ले लेंगे, और ये लाइन हमारी मैच होनी चाहिए, ये जो 10 mm का गैप है ये लाइन यहां पर मैच होनी चाहिए, आप देख सकते कुछ तरीके से, और ये लाइन हम मिटा देंगे। तो हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। अब हम चलते हैं इसका डायमेंशन देते हैं, अगर कोई भी ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं तो उसको डायमेंशन देना बहुत ही जरूरी है। अगला एग्जाम्पल समझेगा कि ये कितने कितने डायमेंशन के हिसाब से बनाया गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हम डायमेंशन को अब हम तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ था आइसोमेट्रिक में, जो भी डायमेंशन दिया हुआ था
उसी के हिसाब से मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में जो बनाया था वो आपको कुछ ही तरीके से आपको दर्शाने हैं, जो भी डायमेंशंस आपको है सारे सारे डायमेंशंस आपको दर्शा देने हैं। ठीक है, लाइन में आपको ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम, यानी जितने भी डायमेंशंस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं सारे डायमेंशंस एमएम में है। ठीक है, ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन था, जैसे कि आप आसानी से बना सको कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू को बनाने के लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था, बहुत इजी मेथड से मैंने आप सभी को बताया था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अगर और भी इसी टाइप के वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह और भी सारे अपडेट देता रहूंगा।